Hello, my dear all the viewers. Welcome back in my YouTube channel, that is Mandal's Commerce Classes. Hope you are doing very good and you are stay at your home. And आपको last lecture कैसा लगा? I hope कि आपको मेरा last lecture भी पसंद आया होगा. आज जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, एक भारी भरकम अच्छा खासा मस्त वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो कोरोना वायरस के वजह से जो हम सारे लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ गवर्नमेंट जो बातें आपको बोल रही है कि सैनिटाइज कीजिए, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, बाहर ना निकलिए, तो प्लीज़ गवर्नमेंट की बातों को आप मानिए. और मानने के साथ साथ घर में ही रह के आपको जो इतनी बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, घर में ही बैठ के इनको एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत मैं एक एजुकेशनल थॉट के साथ करना चाहूँगा. और ये कहा जाता है कि एवरीथिंग विल बी ईजी इफ यू आर क्रेजी. ये कहावत है, एवरीथिंग विल बी ईजी इफ यू आर क्रेजी, नथिंग विल बी ईजी इफ यू आर लेजी. कहने का मतलब है, आप अगर कोई भी चीज को बहुत ज्यादा मतलब क्रेजीनेस मतलब बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्ट लेके अगर काम करते हैं तो हर चीज आपको ईजी लगेगा. अब एनपीओ में जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो एनपीओ को आप अगर बहुत ज्यादा मन लगा के अगर इसको सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेंगे. लेकिन नथिंग विल बी ईजी इफ यू आर लेजी. लेकिन अगर लेजी बने रहोगे, अगर आलस करोगे, तब तो भैया ब्रह्मा भी अगर प्रकट हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता. तो इस वजह से तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि सभी घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन. आज का जो क्वेश्चन है ये है एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब के नाम से. एक्सीलेंट क्रिकेट क्लब, इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. क्वेश्चन देख के डर मत जाना, क्योंकि डर जो डर गया वो तो मर गया, गब्बर सिंह कह गया ना. तो इसलिए हमें क्या करना है, अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसको बनाना है. तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन से पॉइंट्स नए हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो नए हैं, एक सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आपको दे दिया है, हायर ऑफ ग्राउंड, सब्सक्रिप्शन, टूर्नामेंट, लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशंस, ये सारे जितने भी आइटम्स आपको दिया गया है, ये सारे रिसिप्ट साइड में लगभग हमने इन सभी से डील कर चुका है. और अगर मैं पेमेंट की बात करूं, तो पेमेंट साइड में जो नया पॉइंट है, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओडी लिख के दिया है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को दिया है. अभी तक हम जितने क्वेश्चंस बनाए हैं, सभी में आपका बैंक और कैश का बैलेंस दोनों रिसिप्ट साइड में दिया होता था, लेकिन इसमें बैंक का बैलेंस पेमेंट साइड में, मतलब आपका बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है. इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स लगभग हम बना चुके हैं सभी को. अगर हम एसेट्स की बात करें, साल के शुरुआत में प्लेग्राउंड, कैश इन हैंड, स्टॉक ऑफ मटेरियल, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये सारे जितने भी आइटम्स हैं, ये सारे आइटम्स मेरे लिए क्या हैं, एसेट्स हैं साल के शुरुआत के. और आप सभी को मालूम है ये सारे एसेट्स कहाँ पे जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में. देन इसके बाद डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट आर केप्ट इन रिजर्व. क्या बोल रहा है, डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट. देखिए ये जो यहाँ पे लिखा है ना, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, इसी की बात यहाँ पे कर रहा है कि डोनेशन, ये जो लास्ट में डोनेशन है, और सरप्लस जो टूर्नामेंट के नाम से हमको सब्सक्रिप्शन मिला है, इनको हमको रिजर्व के नाम से रखना है फॉर ए परमानेंट पेविलियन. हम एक पेविलियन बना रहे, पेविलियन मतलब स्टेडियम बना रहे समथिंग, तो उसके लिए हमको रखना है. तो ये स्पेसिफिक क्या हो गया, डोनेशन में अगर जोड़ दिया तो स्पेसिफिक डोनेशन, और ये फंड के नाम से हमको यूज करना है, इसका मतलब है. सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का, देखिए साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2017 में मेरा ईयर कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पे दिया सब्सक्रिप्शन ड्यू. ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, 31 मार्च 2017 को कितना करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, 42,000. अब बोल रहा है राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. स्पोर्ट्स मटेरियल का 50% जो है राइट ऑफ करना है. राइट ऑफ करना है मतलब हम ये मानेंगे कि 50% जो है वो कंज्यूम हुआ, तो 50% और कहाँ गया, वो क्लोजिंग स्टॉक है इसका मतलब. फिर यहाँ पे क्या बोला है, 30% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी राइट ऑफ करना है, मतलब हम ये मानेंगे कि टोटल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से 30% जो है हमने करेंट ईयर में खर्चा किया, और 70% जो है वो टोटल बच गया.
तो अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले इनकम साइड से यहाँ लिखेंगे बाय मेंबर्स सब्सक्रिप्शन. बाय मेंबर्स सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन जो है वो 2,50,000 का है. 2,50,000 मेंबर सब्सक्रिप्शन. अब आप देखिए नीचे में क्या दिया, साल के शुरुआत का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल. रिसीवेबल का मतलब है मिलना बाकी था. अब भाई साल के शुरुआत में अगर मिलना बाकी था, मतलब साल के शुरुआत का आउटस्टैंडिंग है ये, तो साल के शुरुआत में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग माइनस होता है. तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लिखने के बाद कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, 28,000. ये लीजिए 28,000 रुपए जो है ये मेरी आउटस्टैंडिंग है. तो चलिए इसको फटाफट हम माइनस कर लेते हैं. अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो अमाउंट कितने में, 50 में से 25 गया 25, 25 में 3 गया 22. 2,000 आई थिंक. एक बार मैं करके भी देख लूं मिस्टेक का, ताकि कोई चांस ना हो. हाँ जी 2,000. अच्छा साथ में क्वेश्चन में मुझे करेंट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बता रहा है नीचे 42,000. तो करेंट ईयर की भी आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे यहाँ पे, ऐड कर देंगे. तो अगर ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर, करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितना है, 42,000 का है. तो मैं यहाँ से इस लाइन को, अंडरलाइन को हटा देता हूँ और इसको मैं नीचे में 42,000 में कर लेता हूँ. तो अब देखूँ जरा मैं कितना अमाउंट आ रहा है. अब जाहिर सी बात है अमाउंट चेंज आएगा, प्लस 42,000, 2,64,000. ये जो है ये मेरा अभी मेंबर सब्सक्रिप्शन का आंसर है. देन इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल. ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब पुराना मेरे पास कुछ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल थे, उनको मैंने बेचा. लेकिन उसके पहले एक पॉइंट और छूट रहा है, और ये पॉइंट क्या है, मेंबर्स एडमिशन फी. तो इसको एंट्रेंस फी भी हम बोल सकते हैं, बाय मेंबर्स एडमिशन फी. मतलब मेंबर्स का एडमिशन फी हमको यहाँ पे लिखना है. तो मेंबर्स की एडमिशन फी अगर हमको लिखना है तो कितने रुपए का एडमिशन फी है, तो एडमिशन फी मेरे पास जो है वो टोटल 15,000 रुपीज का एडमिशन फी रहा. अब एडमिशन फी के बाद नेक्स्ट, इसके बाद मेरे क्या अमाउंट दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल. तो इसको भी लिख देंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल. बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 2,500. देन इसके बाद हायर ऑफ ग्राउंड, तो यहां लिख देंगे बाय हायर ऑफ ग्राउंड. बाय हायर ऑफ ग्राउंड लिख के कितना रुपए, 28,000. 28,000 रुपए हमको ग्राउंड के हायर से मिला. देन इसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट नहीं लिखना, क्योंकि ये फंड बन चुका है. लाइफ मेंबरशिप फी नहीं लिखना. डोनेशन नहीं लिखना, क्योंकि डोनेशन के लिए नीचे बोल दिया था कि इसको हमको परमानेंट पवेलियन के रखना है, मतलब ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा. बाकी लगभग मैंने सारे आइटम जो है मैंने लिख लिया है. अब अगर सारे आइटम लिख लिया है तो चालू करते हैं एक्सपेंडिचर साइड. एक्सपेंडिचर साइड में पहले टू अपकीप ऑफ फील्ड के नाम से कितना, 1,15,000. फिर क्या दिया हुआ है, टूर्नामेंट एक्सपेंस नहीं लिखना, क्योंकि टूर्नामेंट का खर्चा कितना हुआ, 40,000, जबकि फंड में कितना पड़ा हुआ था, 60,000. तो फंड में से पैसा निकलेगा, अलग से पैसा नहीं खर्चा करना है. रेट्स एंड टू रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेट्स एंड टैक्सेस. तो टैक्सेस बोलो या इंश्योरेंस है यहाँ पे, तो चलो इंश्योरेंस ही लिख देते हैं. इंश्योरेंस कितने रुपए का, 10,000. क्या इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है. आगे बढ़ते हैं. देन इसके बाद टेलीफोन, तो
टू टेलीफोन लिखने के बाद 3500, देन इसके बाद पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस, तो टू पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर के नाम से 4000 रुपये। देन इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 26000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद अब आप देखिए साल के शुरुआत में यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, तो ऐड कर देंगे हम इसको, तो ऐड किए तो स्टॉक कितने रुपए का है, 11000 रुपए का है, 11000। अब क्लोजिंग स्टॉक, तो क्वेश्चन के लास्ट में देखिए यहाँ लिखा है राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का 50% हमको राइट ऑफ करना है, और 30% प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। तो मैं अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को बना रहा हूँ, तो इसका 30% जो है हमको ये मानना है साल भर में खर्चा हुआ है, तो बचा कितना 70%। तो 70% निकालने के लिए मैं कैसे करूंगा, 26000 प्लस 11000 करूंगा, 26000 प्लस 11000 होता है 37000, इसका 70% निकाल लूंगा तो होगा 25900, मतलब 25900 रुपए जो है वो मैंने क्या किया क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे, माना कि ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। और आउटर कॉलम में जब हम लिखेंगे तो आउटर कॉलम में लिखने के समय हम यहाँ पे सबका टोटल एक साथ डालेंगे प्लस माइनस करके, 37000 दोनों का टोटल माइनस 25900, आंसर 111100। ओके, देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस की बात अगर किया तो मिसलेनियस एक्सपेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या पहले देख लो, अगर नहीं है तो डायरेक्ट लिखना टू मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस कितना रुपए 4400। आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद फिर क्या लिखा है, टू सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, टू सेक्रेटरीज ऑनरेरियम कितने रुपए का 30000। ऑनरेरियम क्या होता है इसके पहले भी मैंने समझा चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनरेरियम के बाद ग्रास सीड्स, ग्रास सीड्स, ग्रास सीड्स के नाम से 2600। देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट का रेट वगैरह कुछ बोला नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे इसको अभी। देन इसके बाद परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जी हाँ यहाँ पे हमको यूज करना है, तो टू परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा 68000 प्लस ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक देखो नीचे में दिया स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 85000, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 85000 रुपीज लिखेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक वो भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया है बोला है ना 50% ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल राइट ऑफ करना है, मतलब हमको ये मानना है खर्चा हुआ, तो 50% स्पोर्ट्स मटेरियल जो खर्चा हुआ हम मानेंगे, तो सबसे पहले हम देखें टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कितना हो रहा है 68000 प्लस 85000 153 डिवाइड बाई 2 तो 76500, हमने ये माना 76500 खर्चा हुआ और 76500 बच गया, तो जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक और जो खर्चा हुआ उसको हम लिख दिए। चलो ये तो हो ही गया क्लोजिंग स्टॉक का काम, अब जब क्लोजिंग स्टॉक का मेरा काम हो गया तो इसके बाद और मेरे पास क्या चीज बचा हुआ है, जितने चीज मेरे को लिखने थे सभी आइटम लगभग मैंने कंप्लीट लिख लिया है, तो चलिए अब ज्यादा देर ना करें और हम टोटल कर लेते हैं, 264000 प्लस 15000 प्लस 2500 प्लस 28000 309500।
अब इसमें से लेस करते हैं माइनस 13,500 माइनस 4,000 52,400 तो ये हमारा एग्जैक्ट आ गया सरप्लस 52,400 टू सरप्लस लिखने के बाद हमारा जो टोटल था 00 ये टोटल हमने कर दिया। अब चालू करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट की शुरुआत मैं करूंगा कैश इन हैंड के साथ। कैश इन हैंड कितना दिया है 18,000। देन इसके बाद क्वेश्चन में देखिएगा ओपनिंग में जो भी आइटम्स दिए हुए हैं प्लेग्राउंड था, प्लेग्राउंड कितना 5 लाख रुपीस का। देन इसके बाद कैश इन हैंड 18,000 वो ऑलरेडी मैंने लिख चुका है। देन इसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से 85,000। देन इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना था 11,000। ये सब एसेट्स हैं। देन इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में कितना रुपए 28,000 मैंने लिख दिया। अब साल के शुरुआत का और कुछ बचा? जी हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी पॉइंट के वजह से स्पेशली मैं इस क्वेश्चन को और आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, और कोई क्रेडिटर वगैरह का बैलेंस जैसा लास्ट क्वेश्चन में था? नहीं। चलिए फटाफट टोटल करते हैं। तो ये हमारा कैपिटल फंड भी आ गया, आप निकाल के देख सकते हैं 6,26,000। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 6,42,000 और इस साइड भी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये टोटल भी हो गया। अब मैं चालू करूंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट की शुरुआत कैपिटल फंड के साथ। कैपिटल फंड कितने रुपए का है? तो अभी निकाले थे हमने 6,26,000 का। अब उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सरप्लस को, हमने ऊपर निकाल के रखा है 52,400। ये जो 52,400 आया इसको हम क्या करेंगे, ऐड लेस करके नीचे डालेंगे ऐड 52,400। तो आंसर है 6,78,400। ये लीजिए इधर का कंप्लीट। देन इसके बाद मेरे पास और क्या बच गया है? तो भाई एडिशनल मुझे बोला गया था सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट लाइफ मेंबरशिप फी और ये सब लिखना है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी के नाम से कितना रुपए है लाइफ मेंबरशिप फी? तो लाइफ मेंबरशिप फी मेरे पास 20,000 का है। चलो देन इसके बाद मुझे क्या लिखना था टूर्नामेंट के लिए सब्सक्रिप्शन, तो उसको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, ऐसा शॉर्ट में मैं कर दे रहा हूँ सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट 60,000। देन डोनेशन, डोनेशन को भी साथ में ही ले लीजिए 6 लाख। देन माइनस करेंगे हम यहाँ पे एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ पे दिया हुआ था ये देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंस 40,000 रुपीस का है। तो यहाँ पे हम आगे लेंगे 40,000। अब हम देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 6,60,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 6,20,000। ये हो गया डोनेशन। डोनेशन के बाद
मेरे पास जो नेक्स्ट आइटम मुझे यहाँ पे लिखना है वो क्या है देख लेते हैं। तो भाई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ था क्या, एडजस्टमेंट में देखते हैं। तो एडजस्टमेंट में मेरे पास आउटस्टैंडिंग नहीं था, एक था आपका सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन की जो भी आउटस्टैंडिंग थी वो मैंने लिख लिया है ऑलरेडी। देन इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में जो है मेरे पास प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग दी हुई थी क्वेश्चन में कि प्रीवियस ईयर का, उसको मैंने ऑलरेडी लिख लिया। तो अब मेरे पास लाइबिलिटी लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब मुझे एसेट्स की बारी है। तो कैश इन हैंड के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ, 74,000 कैश इन हैंड के बाद मेरा जो नेक्स्ट आइटम है वो क्या है, वो है साल के आखिरी में मेरे पास प्लेग्राउंड, मैंने कोई नया प्लेग्राउंड नहीं खरीदा है। प्लेग्राउंड जो साल के शुरुआत में था सेम उतना ही लिख देंगे। प्लेग्राउंड के बाद क्वेश्चन में मुझे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बताया गया था, तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितने रुपए का स्टॉक था स्पोर्ट्स मटेरियल, 400। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हमने पूरे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, इस सीरीज का अगला पार्ट लेके। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिएगा, घर में रहिएगा, और अपने मम्मी पापा का, पेरेंट्स का बात बिल्कुल मानिएगा, बड़ों का बात मानिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।